नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रौनक सोलंकी और आप सभी का स्वागत करता हूँ एनवाई के स्टाइलिश बॉयज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं वडोदरा के कोटना बीच विजिट करने के लिए, जो हाल ही में वडोदरा वासियों के लिए घूमने फिरने के लिए एक नया पर्यटक स्थल बन चुका है। यहाँ पर घूमने फिरने के लिए शनिवार, रविवार और छुट्टी के दिनों में बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं। साथ ही में हम जानेंगे यहाँ पर आए हुए बोटिंग पॉइंट के प्राइस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कोटना बीच कहाँ पर आया हुआ है। दोस्तों, कोटना बीच बड़ोदरा के कोटना गांव में महिसागर नदी के किनारे आया हुआ है, जो बड़ोदरा से 17 किलोमीटर और वासद से 16 किलोमीटर के अंतराल में आया हुआ है। यहां पर आप कार या बाइक दोनों से जा सकते हो। साथ ही में यहां खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती है, जिसके कारण आप यहां पर फुल डे फैमिली पिकनिक मनाने के लिए भी आ सकते हो। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि यहां पर आप क्या क्या एंजॉय कर सकते हो। आपके लिए यहां पर हॉर्स राइडिंग, बोटिंग, स्पीड बोट, जेटकी, पैंडल बोट, कपल बोट, फैमिली बोट और कायाकिंग जैसी बोटिंग राइड यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है, वह भी एकदम सस्ते प्राइस में। हर एक बोटिंग राइड के अलग अलग रेट रखे गए हैं। पैंडल बोट के दो व्यक्ति के लिए 200 रुपये और चार व्यक्तियों के लिए 400 रुपये प्राइस रखी गई है, जिसमें आप 30 मिनट के लिए राइड कर सकते हो। बोट राइड में बड़ों के लिए 100 रुपये और बच्चों के लिए 50 रुपये रेट रखे गए। इसके अलावा स्पीड बोट के एक व्यक्ति के 300 रुपये रखे गए हैं। कायाकिंग के एक व्यक्ति के 250 रुपये रखे गए हैं, जिसमें आप 30 मिनट के लिए राइड कर सकते हो। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सभी बोटिंग राइडरों को लाइफ जैकेट पहनाया जाता है। यहाँ पर पानी स्थिर और कम गहरा है, जिसके लिए आप यहाँ पर नहाने का पूरा आनंद अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ले सकते हो। कोटना बीच के नज़दीक सिंगरोड टैंक डैम और अनगर गांव में मां मनसानी माता का मंदिर आया हुआ है, वहां पर भी आप चाहो तो विजिट कर सकते हो। दोस्तों, अभी तक आपने कोटना बीच को विजिट नहीं किया तो एक बार ज़रूर विजिट करें। कोटना बीच सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है।